सीसीएन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ आप सेना के जवान ब्रजेश जी को देख सकते हैं और आज आंदोलन का 43वां दिन है। आज 2 अप्रैल है, 3 तारीख की बड़ी कॉल है और आज मेरे साथ चर्चा का विषय ब्रजेश जी का साथ मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी के बारे में, जो कि एक्स सर्विस मैन लीग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सुर्खियों में बहुत रहते हैं। आज से 3 साल पहले सुर्खियों में थे, तब उन्होंने एक बहुत सीना ठोक के दावा किया था कि सेना में भर्ती के लिए कभी भी रिश्वत या घूसखोरी नहीं चलती। तो पहला सवाल मेरा इनसे यही रहने वाला है कि क्या जैसे अधिकतर सरकारी विभागों में भर्ती के लिए पैसा घूस चलता है, क्या सेना में भी इस प्रकार से कोई घूस चलती है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं सीसीएन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि आप कंटिन्यू, मैडम मैं 20 फरवरी से आपको देख रहा हूं और हमेशा आप कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। नहीं तो आज जो हमारे जवानों की जो ये हक की मांग है वो ये जंतर मंतर कहीं प्रांगण में दब के रह जाती, जहाँ पे नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है वहाँ पे आप लोग कंटिन्यू। और मैं आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा हम्बल कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो बस मैं यही चीज़ से आप स्टार्टअप करना चाहता हूँ। और आपका सवाल, पहला सवाल ये, देखिए मैम, ये जो आप बोले ये भर्तियों में जो थोड़ा बहुत तो आते रहते हैं खबर, लेकिन इसमें कितना सत्यता है ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अछूत नहीं है, अछूत नहीं है ना, अछूत नहीं है। हमेशा कई एक सारे लोग ऐसे इसमें फंसे भी हैं, उजागर भी हुआ है, पनिश भी मिला है, तो कुछ न्यूज मिलने का है, लेकिन कितना इसमें सत्यता है क्या है ये मैं आई कांट से वेरी श्योर। अच्छा ब्रजेश जी, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी एनडीए और सीडीएस में बच्चों को टीच भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके बाद सेना के जवानों के लिए लगातार हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। ओआरओपी के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपने सेना के हक की आवाज़ उठाई है? देखिए मैम, सबसे पहले तो उनका मेन काम जो है वो मेन कर रहे हैं वो इंडियन एक्स सर्विस में लीग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर करतार सिंह। अब रह गई बात देखिए सर, उनका संगठन जो है पूरे देश में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो है एक बड़ा संगठन है और उस बार मैं बताना चाहूंगी दर्शकों, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की दो बड़ी कॉल्स भी हुई है। एक 20 फरवरी को हुई थी यहाँ पे इस जंतर मंतर के प्रांगण में, हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन लीग के यहाँ पे सेना मौजूद थी और दूसरी कॉल ये 12 मार्च की थी, उस वक्त भी यहाँ पे हजारों सेना के जवान दिखे थे। लेकिन एक ये बहुत विडंबना की बात है कि एक्स सर्विसमैन की सोसाइटी पूरी यहाँ मौजूद थी, लेकिन ब्रिगेडियर करतार सिंह पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए थे, मेरी नज़रों के सामने नहीं आए यहाँ पे, बल्कि जितनी मीडिया थी उनके सामने भी नहीं आए और सेना की हक की आवाज उठाते चलते हैं। देखिए मैम, आपने जो बात कही करीब सारी बात सही है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। देखिए, जो 20 फरवरी का जो रिकॉल था वो इंडियन एक्स सर्विस में लीग के तरफ से नहीं था, लेकिन जो लोग आए हुए थे वो आज यहाँ पे भी जितने भी लोग बैठे हुए वो सारे के सारे, उसमें करीब 90% लोग जो है सो इंडियन एक्स सर्विस में लीग के ही मेंबर है, लेकिन वो रिकॉल था हमारे जेसीओ जवान और वीर नारियों का रिकॉल था, जो कि पिछले 75 साल से इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की सदस्यता में तो है, सदस्यता मेंबरशिपिंग भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, एजीएम भी अटेंड करते हैं, सारे चीज करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है, उनकी प्रॉब्लमों की बात आती है तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब भी ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब मिले आपको तो उनसे सवाल करिएगा कि क्या बात है जी, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी सर आप जवान जैसी और वीर नारी की आवाज क्यों नहीं उठाते, ठीक है? उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओआरओपी तो चल ही रहा है, साथ साथ में चल रहा है, एमएसपी का डिमांड सरकार के तरफ से बराबर होते रहा था, जो कि कोई जवान जेसीओ की तरफ से इसका डिमांड हमारे पास में आए तभी तो हम जाके इसका समाधान करें। तो इसको लेके हमारे ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब ने जाके सीडीएस 28 फरवरी को सीडीएस साहब से जाके मिले, मुलाकात की है एमएसपी के हक के लिए, जेसीओ के हक के लिए सीडीएस से मुलाकात की है 28 फरवरी को, और उन्होंने अपने ट्वीट से
साझा की है, जो कि जो उन्होंने डिमांड पत्र सौंपा वो अपने ट्विटर हैंडल से साझा भी किए, परा भी होगा आप देख लीजिएगा ट्विटर पे साझा किए। लेकिन उस डिमांड में बड़ी दुर्भाग्य की बात है जबकि उन्होंने जबकि डिमांड में जो जेसीओ के इक्वल एमएसपी का डिमांड जेसीओ के लिए मांगे तो उनके लिए थैंक्स, लेकिन उस डिमांड में उन्होंने एमएनएस के बराबर 10,500 के लिए डिमांड किए। उस डिमांड पत्र में सिपाही वीरनारी सारे नदारद थे। तो मैं साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ जेसीओ के ही प्रेसिडेंट हैं? क्या उन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट है? क्या आप ऑफिसर के ही प्रेसिडेंट है? क्या आपको प्रेसिडेंट बनने में जो वोट का यूज किया गया है नेशनल लेवल पे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जेसीओ और ऑफिसर्स का किया गया था? देखिए वो जेसीओ के लिए डिमांड क्यों किया इस बात को साइकोलॉजिकली समझिएगा। जब 20 फरवरी को जंतर मंतर की प्रांगण में हजारों की संख्या में जेसीओ जवान वीर नारी जब प्रेजेंट हुए यहाँ, तो उनको ये चीज लगने लगा कि मेरी लंका में अब आग लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो उस प्रेजेंटेशन में 20 फरवरी के जो प्रोटेस्ट में वो मैक्सिमम बंदे उन्हीं के लीग के थे, लेकिन खुद नदारद थे। मैं तो आज भी उनका वेलकम करता हूँ, आज भी आज हमारे आवाज उठाए, लेकिन वो जेसीओ का डिमांड इसलिए किए ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो मूवमेंट चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग जेसीओ यहाँ बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बोले कि 10,500 रुपया जेसीओ के लिए इक्वल एमएसपी का डिमांड किए सीडीएस साहब से, ताकि जेसीओ और जवान में मतभेद आ जाए। इस बात को समझिएगा, ये आंदोलन रुक जाए। ठीक है, जबकि इक्वल एमएसपी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी पहले से इसका केस पिटीशन पड़ा हुआ है, तो मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि किस डिमांड से, किस मानसिकता से साहब ने चौहान साहब से, जो हमारे सीडीएस साहब से मुलाकात की और जो डिमांड पत्र सौंपे, वो 10,500 क्यों सौंपे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मेरी बातें उनके पास जा रहा है तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि साहब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, देखिए 10,500 क्यों डिमांड किए, जब ऑलरेडी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इसका पिटीशन जा चुका है, इक्वल एमएसपी की लड़ाई चल रही है, और उसमें जवान को क्यों नहीं मेंशन किए? तो ये सब कुछ बातें जो है सो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग में के अध्यक्ष के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो मैं यही उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप मीडिया गन के माध्यम से, और आप लोगों को कभी मिलते हैं तो जरूर ये सवाल उनसे उठाएं। एक्स सर्विसमैन लीग पूरा एक्स सर्विसमैन के लिए है, जो भी आर्मी में, चाहे वो एक छोटी रैंक का सिपाही हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे ऑफिसर हो, सारे एक्स सर्विसमैन के लिए है। लेकिन यहाँ पर देखने की ये बात एक सामने आई है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये एक छोटा सा निवाला फेंका गया है सीडीएस जी के सामने, और जेसीओ उसको अपने पक्षधर करने के लिए ये चीज करी गई है कि सारे जेसीओ सब मेरी पार्टी में आ जाए और ये आंदोलन किसी भी प्रकार से खत्म हो जाए। यही रीजन है ना? यही रीजन है। और मैं सीधा सीधा एक संदेश देना चाहता हूँ, ये जवान जेसीओ जग चुका है और इसका असर 20 फरवरी को आप लोगों ने देखा था और कमिंग 3 तारीख को भी देखने को मिलेगा। तो मैं माननीय जितने भी प्रेसिडेंट है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी वो हमारे आदरणीय है, रिक्वेस्ट करूंगा कि जवानों की हक की बात उठाइए। जवान नहीं रहेगा तो अधिकारी क्यों? आखिर अधिकारी किसके ऊपर है? इन जवानों के ऊपर तो अधिकारी है, तो जवान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जवान ही आपके साथ में नहीं रहेंगे तो अधिकारी किसके ऊपर अधिकार करोगे? तो इस चीज से मैं अपनी इस वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और मैं ये संदेश आपके माध्यम से करता हूं, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा फिर से, जो कि आप लोग, मैं बार बार एक टैगलाइन करता हूँ, अपने लिए इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको लगता है जो कि हमारे बुजुर्ग जंतर मंतर की प्रांगण में बैठे हुए, तो नैतिकता के आधार पर कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर तो जरूर करिए इस वीडियो के। बस इतना ही था, थैंक यू, आपने मौका दिया मुझके, उसके लिए थैंक यू।